तो मैं हूँ अखिलेश, आप देख रहे हैं विद यू। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अबाउट की लॉगर। यस, अबाउट की लॉगर। आपको मालूम नहीं होगा की लॉगर क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। की लॉगर एक ऐसा डिवाइस होता है दोस्तों, जो कंप्यूटर के कीबोर्ड में सेट किया जाता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में एक बार सेट हो गया की लॉगर, उसके बाद आप कंप्यूटर पे जो भी टाइप करते हैं, वो की लॉगर एक एंटीना वाईफाई एक वेव के थ्रू एक कंप्यूटर में भेज देता है दोस्तों। और इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो पर्सनल डाटा है, अगर आप उससे फेसबुक का अकाउंट को ओपन करते हैं, या फिर अपना बैंक का अकाउंट ओपन करते हैं, या फिर कोई सेंसिटिव चीज़ें करते हैं, तो सारी की सारी डिटेल सीधे चली जाती है जिसने की लॉगरों के यूज की वजह से, जो जिसने वो लगाया है उसके पास से। एक बहुत ज़्यादा घातक है दोस्तों, इससे बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों, नुकसान हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत की लॉगर के विक्टम्स लंदन में वगैरह, या फिर कई पूरे वर्ल्ड वाइड हैकर्स वगैरह की लॉगर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सर, काफ़ी आसान होता है की लॉगर डिवाइस, और छोटा होता है, कहीं भी फिट हो जाता है। हो गया फिट, कर लो अपने डिटेल्स। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जा रहे हैं अपने साइट के घर, तो मैं आपको कीबोर्ड दिखाता हूँ, कीबोर्ड पे कैसे होता है दिखाएंगे मैं आपको। तो ये कीबोर्ड देख सकते हैं आप, कीबोर्ड। तो इस कीबोर्ड के पिछले साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नट वगैरह है, इनको खोल के इनके अंदर वो की लॉगर को डाल देते हैं। उसे आपके जो पुराना जो आपका पास कीबोर्ड था उसे एक्सचेंज कर देते हैं, और देख लीजिए आप, हो जाएगा आपका। और उसके बाद आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसे लेंगे, कुछ भी करेंगे, और आपका वो चला जाएगा दोस्तों। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसकी लॉगर जिसने लगाया उसके पास चली जाएगी। मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, आपका लॉगिन आईडी, आपका पासवर्ड, हर चीज़ आप उसके पास चली जाती है, जो भी आप की लॉगर से करते हैं दोस्तों। सो की लॉगर बहुत ही डेंजरस है दोस्तों, और कभी भी इसकी वजह से नेट कैफ़े पे या फिर किसी भी जगह पे जहाँ पे आप दूसरों का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी भी खुद की इन्फॉर्मेशन ओपन ना होने दे, लीक ना होने दे। कभी भी फेसबुक अकाउंट्स, जीमेल अकाउंट्स कभी भी ओपन नहीं करने के, आपको सिर्फ सर्फिंग कीजिए, ऐसा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको की लॉकर से बचना हो, आपको क्या मालूम होगा कि की लॉकर कहाँ फिक्स किया गया हो, क्या हो, आपको कुछ मालूम तो नहीं हो सकता। और कीबोर्ड इज़ द मेन डिवाइस, आप उसी से ही सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरे रोज़ ही ऐसे नए नए टेक वीडियोस को देखते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।